Good morning, my friends. My name is Ravi. Welcome to Accurate Info by Ravi. Today my topic will be hotel industry is an evergreen industry for Indians or for foreigners. मुझसे काफ़ी सवाल पूछे गए कि होटल इंडस्ट्री ही क्यों एब्रॉड के लिए बहुत ही फेवरेबल है. सो मैं एक आपको क्लैरिफाई करना चाहता हूँ कि इन विदेशों में यूरोपियन कंट्रीज़ US, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सिंगापुर, ये सारी डेवलप्ड कंट्री है. इधर क्या है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं, जो पीपल्स हैं, वो घर में खाना बनाना पसंद नहीं करते. ऑल गो मॉर्निंग ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर ऑल गो आउटसाइड रेस्टोरेंट्स, फूड कोर्ट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट्स एंड सम बुफे सर्विसेज एंड कैटरिंग, सम प्रोवाइडिंग द कैटरिंग सर्विसेज देन. सो इट्स अ गुड ऑप्शन फॉर गेटिंग द गुड करियर बिकॉज लोकल्स होटल इंडस्ट्री में बहुत कम काम करते हैं बिकॉज लॉन्ग आवर्स और हार्ड वर्क होता है. तो फॉरिनर्स अवेलेबल, फॉरिनर्स हैव द अपॉर्चुनिटी टू फिक्स इन दिस इंडस्ट्री. एंड होटल इंडस्ट्री में थोड़ा ज़्यादा काम होता है, लॉन्ग आवर्स होते हैं, लेकिन सैलरी बहुत अच्छा मिल जाता है, सेविंग्स भी काफ़ी अच्छा हो जाता है. आपका फूड एंड एकोमोडेशन, फूड इज़ टोटली फ्री इफ़ यू वर्किंग इन होटल इंडस्ट्री. एकोमोडेशन भी अच्छा हो जाता है तो यू कैन सेव मिनिमम $500 to $700 प्लस योर सैलरी. एंड यू हैव द स्पेशल बेनिफिट फ्रॉम द होटल इंडस्ट्री टू ज्वाइन इफ़ यू हैव द सर्विस इंडस्ट्री इज़ अ टिप्स. काफ़ी कभी कभी तो आपको $1,000 भी आपको टिप मिल सकता है अगर आपका हाउ यू बिहेव विद योर कस्टमर्स, हाउ यू सर्व योर कस्टमर्स. सो होटल इंडस्ट्री इज़ अ गुड ऑप्शन टू मेक मनी. सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि होटल इंडस्ट्री ही ज्वाइन कर लें. मेरे हिसाब से मैं भी होटल इंडस्ट्री से हूँ. कभी कभी मेरा सैलरी मैं कभी टच नहीं करता हूँ, ऑलवेज टिप्स एंड सम एक्स्ट्रा इनकम्स, बिकॉज होटल इंडस्ट्री में इफ़ यू सर्व वेल विद योर कस्टमर दे विल हैप्पी. सो काफ़ी आपका सेविंग हो जाता है. मैंने अदर कंपेयर टू अदर इंडस्ट्री, मैंने होटल इंडस्ट्री ही चूज़ करा है क्योंकि होटल इंडस्ट्री में लॉन्ग आवर्स होता है, आई एग्री, बट आपको लॉन्ग आवर के साथ काफ़ी बेनिफिट मिलता है. देखो ऐसा है कि अगर आप आस पास पर कभी काम कर रहे हो होटल इंडस्ट्री में, सीनियर वेटर, सो आपको थोड़ा 10 आवर्स काम करना पड़ेगा, लेकिन आपका सैलरी $2,000 यू कैन सेव. कंपनी प्रोवाइड करेगा एकोमोडेशन एंड फूड इज़ टोटली फ्री. सो वन डे यू कैन स्पेंड money in outside if you know working in hotel industry, maybe $20, so $20 you every day can save. So 1 month is $600 you totally save. This savings plus you can get tips if you serve well your customers, plus sell. So it means I think if you can make $2,000 to $3,000 in every month savings. So hotel industry is a good option as a career. So मैं तो suggest करूँगा अगर कोई 12th पास कर रखा है, ग्रेजुएशन है, कर ले होटल इंडस्ट्री होटल मैनेजमेंट का कोर्स. और अब्रॉड में थोड़ा लॉन्ग आवर्स है, टफ है, लेकिन मेक मनी इज़ वेरी ईजी इन होटल इंडस्ट्री. ओके, सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बताना और मैं आपको कुछ एक और वीडियो बनाना इसी में कंटिन्यू कर देता हूँ कि वाट इज़ द बेनिफिट ऑफ द होटल इंडस्ट्री. मीन्स बेनिफिट क्या है, डिसो एडवांटेज भी होते हैं या एडवांटेज भी होते हैं, बेनिफिट क्या है. देखो बेनिफिट ऐसा है, यू कैन सेव टोटली सैलरी बिकॉज टिप्स इज मोर, लॉन्ग आवर्स यू नो हैव टू टाइम स्पेंड मनी एंड स्पेंड टाइम टू अदर एक्टिविटीज. सो यू वर्क ओनली इन होटल इंडस्ट्री, यू कैन सेव लॉट मनी, नो टाइम नेवर स्पेंड मनी, सो यू कैन इन्जॉय इन वीकेंड्स ऑल्सो. सो यू कैन ईजी इन्वायरमेंट, फ्रेंडली नेचर्स, गुड मनी, गुड टिप्स. ओके, सो इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़ प्लीज़ लाइक एंड शेयर.